press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दस अगस्त को केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में धारा 144 हटा ली गई। उसके बाद भी हालात सामान्य रहे। लोग अपने घरों से निकलकर बाजारों में खरीदारी करने भी पहुंचे। यदि हालात इसी तरह रहे तो इंटरनेट सेवाएं भी बहाल कर दी जाएंगी। 12 अगस्त को ईद का पर्व देखते हुए प्रशासन की ओर से राहत दी गई। अनुच्छेद 376 में बदलाव के बाद 5 अगस्त से ही जम्मू कश्मीर में पाबंदियां लगा दी गई थी, लेकिन 8 दिन गुजर जाने के बाद भी किसी भी स्थान से कोई गड़बड़ी की खबरें नहीं आई। इसे प्रतीत होता है कि अब तक कश्मीर में राजनेताओं ने ही हालातों को बिगाड़ रखा था। कश्मीर के युवाओं को आजादी का ख्वाब दिखाकर नेता अपने स्वार्थ पूरे करने में लगे थे। बेवजह पाकिस्तान की दखल अंदाजी करवाई जा रही थी। ऐसा माहौल बनाया गया कि पाकिस्तान के बगैर कश्मीर में शांति नहीं हो सकती। लेकिन अनुच्छेद 370 में बदलाव कर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाते ही एक झटके में 70 वर्ष पुरानी समस्या का समाधान हो गया। चूंकि हालात सामान्य होने तक महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, इसलिए कश्मीर घाटी में भड़काने वाला भी कोई नेता नहीं था। पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में हंगामा करने वाले युवकों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। अब आम कश्मीरी बड़े सुकून के साथ रह रहा है। 9 अगस्त को घाटी के अधिकांश मस्जिदों में जुम्मे की नमाज भी पढ़ी गई। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि हालात सामान्य करने में कश्मीर के लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।